नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम में अस्पताल से जेल ले जाने के दौरान पुलिसकर्मियों की गिरफ्त से दो कैदी फरार हो गए हैं। दोनों ही कैदियों को भोंडसी जेल से दिल्ली अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां से वापस आते हुए एक होटल से दोनों ही कैदी फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने पुलिसकर्मियों की लापरवाही को देखते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करवा दिया गया है और तीन अन्य आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इन कैदियों को भगाने में मदद की। भोंडसी जेल में बंद राकेश और अभिजीत नाम के दो बदमाश कई आपराधिक मामलों में सलाखों के पीछे थे। सोमवार को इलाज के लिए उन्हें दिल्ली LNGP अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल से इलाज कराने के बाद उन्हें भोंडसी जेल वापस ले जाया जा रहा था। उसी दौरान सेक्टर 38 स्थित एक होटल में पुलिसकर्मी इन दोनों कैदियों को लेकर गए, जहां पहले से ही इन कैदियों के तीन अन्य साथियों ने दोनों कैदियों को वहां से भगाने में मदद की और वह पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। बता दें आप सभी को कि गुरुग्राम पुलिस को मिली शिकायत के बाद इस पूरे मामले में सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और कैदियों की सुरक्षा में तैनात तीनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। ये कल दो जो अंडर ट्रायल थे, जो भोंडसी जेल में बंद थे, एक का नाम अभिजीत और एक का नाम राकेश था, इनको इलाज के लिए भोंडसी जेल से और LNGP हॉस्पिटल हमारी एस्कॉर्ट गार्ड के मुलाजिम लेके गए थे। और जब वो वापस वहाँ हॉस्पिटल से वापस लेके आए तो सेक्टर 38 में एक ग्रीन ट्री के नाम से होटल है, वहाँ लेके गए और वहाँ उनको बातों में उठ जाके और वहाँ से वो दोनों जो कैदी थे वो वहाँ से भागने में सफल रहे, जिसके बाद हमने थाना सदर में एस्कॉर्ट गार्ड इंचार्ज इंस्पेक्टर के बयान के आधार पे FIR दर्ज करके जो दोनों भागने वाले वो अभियुक्त थे वो और जो हमारे तीनों जो मुलाजिम थे जिनकी कस्टडी में ये थे उनके खिलाफ हमने केस रजिस्टर करके और वो जो तीनों मुलाजिम हैं उनको, जो एस्कॉर्ट गार्ड के मेंबर थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें जो उनको भगाने के लिए तीन लोगों ने मदद की थी उन तीन लोगों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम, एक का नाम अरविंद और एक का अजय जाखड़, वह एक का नाम जो गेस्ट हाउस का संचालक है नितिन भारद्वाज है, इनको, इन्होंने गेस्ट हाउस का जो संचालक है इसने और ये जो दोनों हैं इन्होंने उसको भागने में मदद पहुंचाई उनको, इसलिए हमने इनको भी गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज जो तीनों एस्कॉर्ट गार्ड के मुलाजिम थे उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनका पुलिस रिमांड अदालत से उसकी मांग की गई है और पेश किया जा रहा है। बाकी इनको आज गिरफ्तार करके बाकियों को कल पेश अदालत किया जाएगा और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात सामने आई है कि इन्होंने, जो पुलिस कर्मचारी थे, इन्होंने गलत रास्ते पे ले जाके और होटल में ले जाने का जो काम किया है उसकी गलती के कारण उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और ये जो तीनों हैं इन्होंने भागने में जो मदद पहुँचाई उनको, अपनी स्कूटी दी भागने के लिए, तो और इसने अपने गेस्ट हाउस में उनको सुविधाएं प्रदान की, तो उसके लिए हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। हमने बहुत सारी टीम गठित की हैं जो अभियुक्त भागे उनको पकड़ने के लिए और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इनको गिरफ्तार करने में कामयाब रहें। गुरुग्राम पुलिस ने कैदियों की सुरक्षा में तैनात तीनों पुलिसकर्मियों की लापरवाही व कैदियों को जेल की जगह होटल ले जाने के मामले में सस्पेंड कर जेल भेजा है। तो वहीं सेक्टर 38 स्थित होटल संचालक नितिन तिवारी, समय अरविंद और अजय जाखड़ नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों ने दोनों ही कैदियों को भगाने में मदद की और स्कूटी उपलब्ध कराई। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी फरार हुए कैदियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।